शनिवार को मुरादाबाद पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष का शहर के कई स्थानों पर जोरदार स्वागत हुआ। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित होटल हॉलिडे रेजेंसी से क्षेत्रीय अध्यक्ष का काफिला मुरादाबाद के पंचायत भवन से निकला तो सर्वप्रथम गगन चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए संकल्प लिया। मुरादाबाद शहर के गगन चौराहे से काफिला होता हुआ सर्किट हाउस चौधरी चरण सिंह चौक का चौराहा बुद्धि विहार ज्योतिबा फुले द्वार लोकोशेड पुल महाराणा प्रताप चौक पीली कोटी का चौराहा से होता हुआ पंचायत भवन जाकर काफिला बैठक में सम्मिलित हो गया। स्वागत करने वालों में भारी संख्याओं में मुरादाबाद शहर के सभी शाखाओं के पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया और जिंदाबाद के नारे भी बुलंद किए। सभी का यह कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ विकास की लहर क्षेत्र में दी है। मुरादाबाद के पंचायत भवन में आयोजित मंडलीय बैठक में मुख्य अतिथि कानून मंत्री बृजेश पाठक और क्षेत्रीय अध्यक्ष द्वारा दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की गई। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष युवा जिला अध्यक्ष द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मंडल बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष की और मुख्य अतिथि के रूप में कानून मंत्री बृजेश पाठक रहे। इस दौरान कानून मंत्री ने कहा कि उपचुनाव में किसी दल से हमारा मुकाबला नहीं है, 7 सीटों पर भाजपा जीतेगी। हाथरस मामले में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपना काम कर रही है, दोषियों को फांसी की सजा की मांग करता हूं। किसानों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दल किसानों को बरगलाने में जुटे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए कानून मंत्री ने सबसे पहले हाथरस में दलित युवती से हुई घटना को दुखद करार दिया, साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही की भी सराहना की। ब्रजेश पाठक के मुताबिक कानून मंत्री होने के नाते अदालत से दोषियों की फांसी की मांग करेंगे ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना ना दोहराई जा सके। मुरादाबाद मंडल की पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए ये बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में हमारे साथ प्रदेश के मंत्री आदरणीय संजय राय जी और हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के नव नियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोहित बेनीवाल जी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष महानगर के अध्यक्ष और जिले के अध्यक्ष मिश्रा जी और हमारे चौहान साहब और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम लोग जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं त्रिस्तरीय, उसके संबंध में आवश्यक बैठक करेंगे कार्यकर्ताओं की, कैसे आने वाले दिनों में चुनाव लड़ना उस संबंध में बात करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री हैं आप, हाथरस प्रकरण पर क्या कहना है, सरकार क्या? देखिए, आप सब जानते हो वैसे तो ये पंचायत चुनाव के संबंध में बैठक है, हाथरस में जो भी सरकार को कहना हम कह चुके हैं, फिर भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हाथरस की घटना हमारे लिए बहुत ही दुखद है। बहन बेटी सुरक्षित रहे, हमारी सरकार उसके लिए कृतसंकल्प है। जो घटना है सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है, हम दोषियों को छोड़ेंगे नहीं और मैं अपनी तरफ से, चूँकि मैं कानून मंत्री हूँ, अदालत में फांसी की सजा की डिमांड करूँगा और ऐसी सजा होगी जो दोषी हैं कि उनको आने वाले दिनों में और लोगों के लिए ये एक सबक बन सके, उनकी रूह कांप जाए ऐसी हरकत करने से। मैं बहुत दुखी हूँ इस घटना से और गंभीरता से सरकार ने। मंत्री जी, CBI का जांच की बात की गई थी लेकिन अभी तक CBI टीम भी नहीं पहुँची है और लोग विपक्ष कह रहा है कि सबूत मिटाने की बात। दरअसल आप जानते हो कि ये प्रक्रिया का विषय है, आपने मुझे बताया नहीं पहुँची, मैं लखनऊ से कई दिनों से बाहर हूँ, मैं लखनऊ जाकर के इस विषय में आपको पूरी बात बताऊंगा। सर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बैठक है, साथ ही साथ यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, क्या लगता है बीजेपी कहाँ पे? दरअसल भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प अभी नहीं है। जो विपक्षी दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के शासनकाल को, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल को, BSP के शासनकाल को, लोगों ने पास से देखा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, अपराध का बोलबाला था, लोगों की याददाश्त इतनी अभी कमज़ोर नहीं, लोगों को अच्छी तरह याद है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को, सबको साथ लेकर चलती है और हम जनता के हित के लिए, विकास के नाम पर और सबको साथ लेकर के चलने के लिए, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम लोग। अच्छी उपचुनाव की सीटों पर चुनाव है, क्या मानते हैं बीजेपी? देखिए, 7 जगह उपचुनाव हो रहा है, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और हमारी तैयारी को एक दिन की नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रतिदिन चुनाव के लिए तैयार रहता है। बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत से और जनता के आशीर्वाद से 7 चुनाव जीते। एक आखिरी सवाल आपसे ले रहे हैं, कल मायावती जी की प्रेसवार्ता थी, प्रेसवार्ती में मायावती जी ने बीजेपी पे दलित विरोधी होने का आरोप लगाया था, आप क्या मानते हैं? आप जानते हैं कि ये पॉलिटिकल उनका सिर्फ बयान है, भारतीय जनता पार्टी दलित समाज को लेकर के किस ढंग से आगे बढ़ती है। भारत को अगर राष्ट्रपति किसी ने दलित दिया है तो आदरणीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था ने दिया है और पूरे दुनिया को गर्व है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति, जो सर्वोच्च पद है, वो हमारे
दलित समाज से है और इस तरीके की बातें पॉलिटिकल बयानबाजी के सिवाय कुछ नहीं। भाजपा से कहीं ना कहीं दलित समाज जो दूरी बनाता हुआ नजर आ रहा है, मेरी बात आप सुनिए, कहीं भी कुछ नहीं है, केवल पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो राजनीतिक कुर्सी के लालच में इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। मंत्री जी, मुरादाबाद में ही आप ही के दलित समाज के नेता की कोरोना से डेथ होने के बाद में कहीं दलित समाज भाजपा से दूरी बना रहा है, इसलिए कि कार्यवाही नहीं हो रही है। अगर इस तरीके की कोई घटना है तो हम स्वयं उसका संज्ञान लेंगे और जो भी उसकी मदद होगी हम करेंगे, हमारे घर की बात है। प्रदेश स्तरीय उसका विरोध चल रहा है, उसे जैसे जो भी इस तरीके की घटनाएं हैं वो पॉलिटिकल स्टंट हैं और पॉलिटिकल पार्टियां इस तरीके की व्यवस्था को फैला रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को लेकर चलती है। सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हर परिस्थिति में अपने लोगों के साथ हम खड़े हैं। सर, उपचुनाव में टक्कर किससे मानते हैं आप? उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को देखिए, उनके नेता केवल ट्विटर और फेसबुक तक सीमित है। कांग्रेस पार्टी का भी यही हाल है और बहुजन समाज पार्टी का भी यही हाल है। केवल भारतीय जनता पार्टी थी तो कोरोना महामारी के काल में अपने घरों से निकलकर एक एक कार्यकर्ता ने गरीबों को, वंचितों को, पीड़ितों को राशन उपलब्ध कराया है, उनके नंगे पैरों में चप्पलें उपलब्ध कराई हैं, आप सब इसके गवाह हो और जनता अच्छी तरह जानती। फिर भी टक्कर किससे मानते हैं? मुझे नहीं लगता बस आई सर, कृषि बिल को लेकर विरोध, कृषि बिल को लेकर के देखिए बरसों से इंतजार था। जो एग्रीकल्चर का बिल है ये किस ढंग से किसानों के लिए हित के लिए लाया गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत दिनों से इच्छा थी। जो किसान भाई हैं वो धीरे धीरे हाशिए से बाहर चले जा रहे थे, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेती किसानी पर निर्भर थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कानून बनाया है, किसानों के हित में है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो किसानों की आय थी वास्तव में दोगुनी हो जाएगी। अपराध की श्रेणी को विपक्ष लगातार घेर रहा है कि अपराध, आप क्या विपक्ष से उम्मीद करते हैं? आपके लिए रेड कार्पेट बिछाएगा जो हमसे हारे हैं, जो हमसे डिफीट खाए हैं, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के मेहनत की वजह से भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाएगी और हम 350 से अधिक सीटें। आपकी नजरों में क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में देखिए कानून व्यवस्था पूरी तरह से, आप अगर तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे जो पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यही मुरादाबाद के मैं सैकड़ों उदाहरण दे दूंगा कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से अपराध बढ़ता था। एक भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का न अपराधियों के समर्थन में न अपराध के समर्थन में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं यदि कोई अपराध करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं, उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ठीक, मुरादाबाद में पहुंचने के बाद यहां कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह और पूर्ण रूप से कार्यकर्ताओं ने उत्साह को आगे बढ़ाते हुए हम आज ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बैठक यहाँ जो मुरादाबाद में रखी गई है, संगठन अपने मुरादाबाद कमिश्नर के सभी जनपद के संयोजकगण, वार्डों के संयोजकगण, ब्लॉक पर आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संयोजकों के साथ पार्टी आज संगठनात्मक विषय की इस बैठक में पार्टी का आगे की रणनीति कार्यकर्ताओं के बीच में रखने वाली है। और इस उपलक्ष्य में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक जी, संजय राय जी, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उपस्थित हैं। तो आज सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत संवाद के माध्यम से आगामी योजना की तैयारी के लिए बैठक। अध्यक्ष जी, एक भाजपा कार्यकर्ताओं के दिल में कहीं ना कहीं एक कुंठा है कि वो अपनी बात किसी से सही से नहीं कह पा रहे, क्या कहें? कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आज आया हमें उत्साह, अत्यंत उत्साह दिखाई दे रहा है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूर्ण रूप से समर्पित हैं और अगर कहीं कोई कुछ बात होगी तो हम उनको संगठन सेतु के रूप में काम करेंगे। जनता का विश्वास जीतने के लिए कार्यकर्ता समर्पित हैं और पुनः भारतीय जनता पार्टी के सरकार उत्तर प्रदेश में 350 से ज़्यादा लोगों के घर बने, उसके लिए कार्यकर्ता समर्पित हैं। क्योंकि आप क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और मुरादाबाद आपके क्षेत्र का परिसर है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा कार्यकर्ता की भी डेथ, उसके बाद में दलित समाज वंचित हुआ, दूरी बढ़ा रहा है भाजपा से, लेकिन उसके बाद में भी कोई कुछ नहीं हो पा रहा। आपने प्रश्न में भी कहा बताया, देश का सर्वोच्च पद जो है वो दलितों को के नेतृत्व में आज हमारे रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के विचार से, विश्वास से ही संभव हो पाया। थैंक यू।